शारदा मंदिर उन्नतीकरण कार्य श्रमिक भाव कम करूला केमी तर मुंड को सैतान बुद्धि आसला के जणी राताराति लक्ष्यपति हेबार निशा माड़ बसला ठाकुरानी को पत्र भाव खलबुद्धि प्रयोग कर एक नंबर हुंडी भांगी लुटेरा भाविता अपराधिक मामलू बर्तीज किंतु जहाँ को से पथर भाविता से पथर शक्ति अपराधी को पुलिस हाथ में धरईदेला घटनाक्रमे माँ सारा एक नंबर हुंडी को एक वर्षीय ऋषि महांत पिता पवना महांत ग्राम केरी जिला केउंझर एक युवक इलेक्ट्रिक कटर मेसीन साहय भांगी गुड़ाए टंका नहीं फेरार हो जाता एत तरबरिया भाव में जाइए जीवा बाटे किसी टंका खसी पड़ता तेणु पुलिस सन्देह तीन जन व्यक्ति को गिरफ्त कर तदंत जारी रखिथिले गत काली तिरतोल पुलिस कनकपुर पुलिस मिलित भाव अपराधी गतिविधि उपरे लक्ष्य कर केउंझर जिलार केरी ग्राम मदनकेल अंचल गिरफ्त करने को सक्षम हो पारे विशेष सूत्र में प्रकाश जी आसामी ऋषि महांत ठिकादार कंट्राक्टर में शारदा मंदिर उन्नतीकरण कार्य श्रमिक भाव काम करूला अपराधी पाखरु नगद 1,85,696 टंका जबत करने सहित गोटे एयर बैग गोटे क्यारी बैग दुईटे मोबाइल गोटे कंबल गोटे साड़ी कटर मेसीन इलेक्ट्रिक तार दुईटा रेची आदि सामग्री जबत कर पुलिस सूत्र प्रकाश पाई परिप्रेक्षी में तिरतोल थाना एक प्रेसमिट कर अतिरिक्त एसपी उपस्थित अपराधी को कोर्ट फरवर्ड कर जगतसिंहपुर भागवत प्रसाद रिपोर्ट समर्थ न्यूज ओडिशा गत 14 तारीख राति माँ शारदा मंदिर हुंडी हुंडी भांगी कि पैसा चोरी होता से विषय में एडीओडी अफिसर गोटे रिपोर्ट दे से कनेक्शन थाना केस नंबर 541 दफे केस रुजु होगा आम शारदा फांडी सब इन्स्पेक्टर भोल बाबू से केस तदंत करते गोटे टीम गठन करते एसपी साहब निर्देश में गोटे टीम गठन होता आम कंटिन्यूसली मनिटर करूँ से मनिटर करने समय आम जाना पाइल केमिकल आनालीस फोन रहा सब आनालीसीस कलु आनालीसीस कर मोबाइल सीडीआर एडीआर नेलु से लोकर डिटेल जमापड़ा सी केन्दुर जिला केरी सदर थाना अंतर्गत केरी ग्राम घर ता ना ऋषि महंत से आम टीम जाए धरगला करंजी गोटे होटेल धरगला धरलापर ता 185,196 टाँग रिकवरी कर गोटे दुईटा मोबाइल गोटे क्यारी बैग आउ तार माँ का जो लुगाटा से सीजर कराई गिरफ्त कराई आज तक फरार टावर डम नेलु मोबाइल आनालीस कलु सीडीआर आनालीस कलु कला समय मोबाइल नंबर ट्राक कर दे मोबाइल नंबर ट्राक कर डिटेल जमा पड़ गला से आगुरी विगत दिन मान अच्छी गोटे आम से प्रति जत्नवान हेलु अनेक जगह फैमिली स्टाफ अच्छे कार्य ड्यूटी कर এটা কেমতি হয়ে গেল তাকে আমি সেই বিষয়ে আমার তদন্ত করা হচ্ছে তাকে ভেরিফাই করে যদি কিছু থাকে আমি রেক্টিফাই করব এই যে লোকটি স্যার এত বাট জুন মাসে আসছিল মাঙ্ক মন্দির বুলিছিল দেখেছিল জগৎসিংহপুর টাউনে বুলিছিল সেদিন সে প্ল্যান করছিল যে এটাও কেমতি ধরে ভাঙি গুটি চুরি করে নেওয়া পাই প্ল্যান করছিল সেদিন সে অনুসারে সে 11 তারিখে আসছে আসি এটি প্ল্যান করে রয়েছে করেছি সব স্যার আজ তো এত কোর্ট পড়ে সে কুটি একা ছিল আর কেউ জানলে একটা ସେମାନେ ତାକୁ ଆମେ ସସ୍ପେକ୍ଟରେ ଆଣିଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଭେରିଫାଇ କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିସିଟି ନାହିଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଲେଟର୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ଲୋକ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରୁ ପାଇଥିଲେ 21,000 ମିଳିଥିଲା ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି କିଛି ପଇସା ଚୋରି ହେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଏଲ୍ଡିଡି ଅଫିସର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ସେ କନେକ୍ସନ୍ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 541 ଦଫାରେ କେସ୍ ରୁଜୁ ହେଲା ଆମର शारदा फांडी सब इन्स्पेक्टर भोल बाबू से केस तदंत करते गोटे टीम गठन करते एसपी एसपी साहब निर्देश में गोटे टीम गठन होता आम कंटिन्यूसली मनिटर करूँ से मनिटर करने समय आम जाना पाइल केमिकल आनालीस और फोन रहा सब आनालीसीस कलु आनालीसीस कर मोबाइल सीडीआर एडीआर नेलु से लोकर डिटेल जमापड़ा सी केन्दुर जिला केरी सदर थाना अंतर्गत केरी ग्राम घर ता ना ऋषि महांत टीम जाए धरगला करंजी गोटे होटेल धरगला धरलापर ता 185,196 टाँग रिकवरी कराई गोटे दुईटा मोबाइल गोटे क्यारी बैग आउ तार माँ का जो लुगाटा से सीजर कराई गिरफ्त कराई आज तक फरार कर सर आम जो टावर डम नेलु
ମୋବାଇଲ ଆନାଲିସିସ୍ କଲୁ, ସିଡ଼ିଆର ଆନାଲିସିସ୍ କଲୁ। କଲା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରୁ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ କରିଦେବୁ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଟ୍ରାକ୍ କରିଦେବୁ, ତା ଡିଟେଲ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା। ସେଇଟା ତ ଆଗରୁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଆମେ ସେ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବୁ। ଅନେକ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମଧ୍ୟ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି, ଫାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବେ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଲୋନ୍ଲି ଜାଗା ହେଇଯାଉଛି, ଫାଣ୍ଡି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାଦି ଉଡ଼ିକି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା କେମିତି ହେଇଗଲା ତାକୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ତଦନ୍ତ କରାହେଉଛି, ତାକୁ ଦେଇଥିବା ଯଦି କେଉଁଠି କିଛି ଥାଏ ଆମେ ତା ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିବୁ। ସେ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆସିଥିଲା, ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବୁଲିଥିଲା, ଦେଖିଥିଲା, ଜଗତସିଂହପୁର ଟାଉନ୍ରେ ବୁଲିଥିଲା। ସେ ଦିନରୁ ସେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲା ଯେ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଧରିବା ପାଇଁ, ଭାଙ୍ଗିକି ହୁଣ୍ଡି ଦୂରକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଦିନ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ 11 ତାରିଖ ଆସି ଆସିକି ଏଠି ପ୍ଲାନ୍ କରି ରହିକି କରିଛି ସବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ତ କୋର୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। ସେ ଏକା ଥିଲା, ଆଉ କେହି ଥାଏ ନଥିଲେ, ଏକୁଟିଆ ଥିଲା। ନା, ସେମାନେ ତାକୁ ଆମେ ସସ୍ପେକ୍ଟରେ ଆଣିଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଭେରିଫାଏ କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଏଥିରେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିସିଟି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲେଟର୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତାର ସେ ଲୋକ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରୁ ପାଇଥିଲେ 2100 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା, ଏଇଟା ମିଶେଇ 1,00,000।